के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर का निधन हो गया है। वो 67 वर्ष के थे और कैंसर से पीड़ित थे। आपको बता दें कि जब अचानक ऋषि कपूर की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तो उस वक्त पर रणबीर कपूर का हाल बहुत ही ज्यादा बुरा था। आखिरकार वो पल था ही इतना दर्दनाक। आपको बता दें कि जब ऋषि कपूर की अचानक तबीयत खराब हुई तो उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती किया गया। वहां पर कुछ वक्त बिताने के बाद देर रात को अचानक ही उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। ऐसे में वो घबरा गए। ऋषि कपूर ने अपने बेटे रणबीर को देखने की इच्छा जाहिर की। रणबीर वहां अपने पापा के पास आए। नीतू कपूर ने कहा कि बेटी रिद्धिमा को फोन लगाओ। रिद्धिमा से बात करते वक्त उनके मुंह से जुबान तक नहीं निकली। वो काफी ज्यादा दुखी थे और अपनी माँ नीतू को फोन देकर बॉथ से बाहर निकल गए। नीतू ने बेटी को सारी सिचुएशन बताई, कंडीशन बताई और एक दूसरे को वो दिलासा देती हुई नजर आई और अचानक ही उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि नीतू और ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा दिल्ली में है और लॉकडाउन की वजह से वो अंतिम वक्त में अपने पिता को देख तक नहीं पाई। उन्हें पास तो मिल गया था लेकिन दिल्ली से मुंबई पहुंचने में उन्हें इतना वक्त लगा कि वो वक्त पर पहुंच नहीं पाई और अपने पिता को अंतिम बार देख भी नहीं पाई। लेकिन इसी बीच आलिया भट्ट उनकी दोस्त, उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए उनके पिता के उन्हें अंतिम दर्शन करवाए। इस दौरान इन दोनों बहन भाइयों का बहुत ही बुरा हाल रहा, लेकिन फिर भी ये दोनों अपनी माँ की ताकत बनकर रहे, उनको दिलासा देते हुए नजर आए। इन दोनों के लिए ये वक्त वाकई में बहुत ही ज्यादा दुख भरा है, क्योंकि ऐसे मौके पर उनके सर से पिता का साया उनके सिर से छिन गया है। ऋषि कपूर बॉलीवुड के एक महान अभिनेता है और उनके काम को हमेशा ही याद किया जाएगा। डेली शाइनिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।